चाहे लोकसभा चुनाव या अपना विधानसभा चुनाव, अमरवाड़ा का चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव। चुनाव रिजल्ट आते ही जिस तरीके से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 127 करोड़ रुपया की आज भूमि पूजन किए, छोटी छोटी जगह तो कैसे रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं वो उसको लेकर के मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो जन कल्याण योजनाएं चलाई, जो गरीबों के लिए योजनाएं चलाई, उससे प्रभावित होकर के जनता ये विश्वास किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी हितैषी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हमारे अपने मुख्यमंत्री हैं। बड़ी बात यह है कि वो अपनी नाकामियों को छुपाना चाह रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के पीएचई मंत्री यानी छिंदवाड़ा अमरवाड़ा उपचुनाव की प्रभारी संपत्तिया हुई है, जबरदस्त जीत अर्जित करी है दीदी अमरवाड़ा में, क्या कहेंगे? यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय पीटी शर्मा जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में हम लोगों ने जो एक एक कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ लगातार ये चुनाव में भाग लिए और ये चुनाव सब लोग मिलकर के चुनाव लड़े, इसके लिए आज बड़ी अच्छी उपलब्धि मिली, जीत मिली। इसका श्रेय हमारे एक एक कार्यकर्ताओं को और जनता को जाती है। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार इस क्षेत्र का भ्रमण किया और जहां जहां विकास कार्यों की मांग थी, ये सबसे बड़ी पॉइंट है कि अभी चुनाव रिजल्ट आते ही जिस तरीके से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 127 करोड़ रुपया की आज भूमि पूजन किए और वो कामों की भूमि पूजन जहां ज्यादा जरूरत काम थी, जैसे किसानों की सिंचाई के लिए मेरे विभाग में पीएचई मंत्री होने के नाते यहाँ पे हम लोगों ने 125 करोड़ रुपया पीएचई नल जल योजना में हम लोगों ने यहाँ स्वीकृति प्रदान किए, जिसकी आज भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे किया है। निश्चित ही बधाई के पात्र हैं और इस क्षेत्र की जनता जनार्दन को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ दिल से कि सब लोगों का अच्छा सहयोग रहा और हमारे भाई लोगों का भी, आप लोगों का भी अच्छा सहयोग रहा, मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। दीदी, रीजनल कॉन्क्लेव हो रहा, छोटे उद्यमियों को सरकार मौका दे रही, कैसा दी? यही तो भाजपा है। जिस तरीके से भाजपा का विचार अंतिम जो जगह पे बैठे हुए व्यक्ति है उनका विकास करना, और आप देख पा रहे होंगे तो बड़े उद्योगपति तो वो बहुत हाई लेवल पे जाते हैं, पर वो छोटे छोटे उद्योग को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विधानसभा के सभी व्यापारी बंधुओं की आज मीट समिट में, आज आप देख रहे होंगे समिट मीट में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ऑनलाइन 2-3 घंटे लगातार उनसे बात किए, उनकी क्या कठिनाई है उन सारी चीजों को भी चर्चा किए और उनकी जो छोटी छोटी कठिनाई थी उन सारी कठिनाइयों के निदान के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका हल निकाले। और ये तो बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि छिंदवाड़ा में पहली बार चाहे लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में भाई विवेक बंटी साहू लड़े, उनको जनता जनार्दन ने अपार सहयोग किए, और चाहे चौथी बार राजा कमलेश शाह जी को भी भाजपा ने प्रत्याशी के रूप में उतारा, उनको भी जनता जनार्दन ने एक रिकॉर्ड मत से जिताया। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य है। कहने का अर्थ यह है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो जन कल्याण योजनाएं चलाई, जो गरीबों के लिए योजनाएं चलाई, उससे प्रभावित होकर के जनता ये विश्वास किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी हितैषी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हमारे अपने मुख्यमंत्री हैं। एक परिवार, भारतीय जनता पार्टी को एक परिवार भाव लेकर के और जिस तरीके से विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को अपार आशीर्वाद दिए हैं, मैं सभी जनता जनार्दन को, सभी मेरे देवतुल कार्यकर्ताओं को, सभी जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे साथ सांसद विवेक बंटी साहू। बंटी भैया, आज कॉन्क्लेव हुआ, मुख्यमंत्री जो है छोटे उद्यमियों से बात कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं? मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कि मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर उत्पन्न हो और छोटी छोटी जगह में हम लोग कैसे रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं वो उसको लेकर के मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री दोनों प्रयास कर रहे हैं, एक तो बड़े कार्य कि बड़े उद्योग मध्य प्रदेश में आए, उद्योगपतियों को मुंबई में जाकर के मुख्यमंत्री ने आमंत्रित किया, और छोटे जो उद्योग हैं गाँव में, छोटे शहरों में, जैसे छिंदवाड़ा में उन्होंने बात किया, पांडना में बात किया, तो हम लोग यहाँ कैसे
अवसर दे सकते हैं, चाहे आईटी सेक्टर में हो, चाहे इंजीनियरिंग सेक्टर में हो, सभी सेक्टरों में माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है और निश्चित तौर पर इसका बहुत जल्द हमें परिणाम देखने लगेंगे और छोटे छोटे स्तर पर रोजगार मिलना चालू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, छिंदवाड़ा की इस जीत को लेकर बड़े अपार प्रसन्न दिखे, सांसद को लेकर दुलार ज्यादा दिखा, क्या है? नहीं नहीं, उनका आशीर्वाद है और निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा ने इतिहास रचा है, चाहे लोकसभा चुनाव हो या अपना विधानसभा चुनाव हो। अमरवाड़ा का चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव रहा है, ये परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट रही है और हमारे कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और हमारे वरिष्ठ नेताओं, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, प्रदेश अध्यक्ष जी हों, संगठन के महामंत्री हों, इन्होंने लगातार मार्गदर्शन दिया, हमारी कैबिनेट मिनिस्टर ने सब लगातार मार्गदर्शन दिया और जो विजयश्री हासिल मिली हुई है तो छिंदवाड़ा ने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को 100% दिया है, चाहे लोकसभा चुनाव हो या अमरवाड़ा का चुनाव हो, तो निश्चित तौर पर प्यार थोड़ा बनता ही है। कांग्रेस कहती है कि 17 राउंड होते हैं, उसके बाद अचानक भारतीय जनता पार्टी को लीड मिलना शुरू हो जाती है, ये लीड आई कहाँ से और कांग्रेस को आखिरकार विरोध क्यों करना पड़ा? एक्चुअली बड़ी बात यह है कि वो अपनी नाकामियों को छुपाना चाह रहे हैं और दूसरी चीज जो है वो जीतू पटवारी और कमलनाथ जी इनकी जो लड़ाई चल रही है वो उसको दबाना चाह रहे हैं, लेकिन जनता समझ रही है जो सीटें रही है परंपरागत रूप से जो हमारे मंडल रहे हैं, चाहे अमरवाड़ा ग्रामीण हो, अमरवाड़ा मंडल हो या सिंगोड़ी मंडल, जहाँ से आखिरी के 4 राउंड 5 राउंड में गिनती शुरू होती है, आखिरी के 6 राउंड में गिनती शुरू होती है और इन यहाँ पर पिछले 8-10 चुनाव आप निकाल लें, यहाँ इसी तरीके से हमें जीत मिली है, चाहे प्रेम नारायण ठाकुर जी 2008 में, उनको भी इसी मंडल से लगभग 10-12 हजार वोट की लीड मिली थी और हमेशा आप निकाल लें इस मंडल से लीड मिलती है, लेकिन कांग्रेस के लोग चश्मा लगा के रखे हैं और वो चाहते हैं उनकी अपनी जो हार हुई है उसको किसी तरीके से इस तरीके से मोड़ के जाए, लेकिन क्षेत्रीय जनता समझती है जीत यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिलाई है। ये थे हमारे सांसद जिनका कहना बड़ा साफ है कि जीती है भाजपा, संपत्ति उइके का भी कुशल प्रबंधन रहा है, प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री मोहन यादव अमरवाड़ा आए, आभार रैली को संबोधित किया और कहीं ना कहीं स्थानीय कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाई है। अजय द्विवेदी, आईवीएस 24, अमरवाड़ा।